हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज से कुछ ही स्कूल जाने वाले हैं। आज है 1 अप्रैल 2024, तो आज से कुछ ही स्कूल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ का स्कूल बैग जो मैंने रेडी कर लिया है। स्कूल बैग है, ड्रेस है, शू है, और ये है कुछ के स्कूल का कैप। तो बस ये सारा चीज़ मुझे कुही को पहनाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी कुही के लिए टिफ़िन। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, थोड़ा सा सूजी लिया है, फिर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी लेकर मिक्स कर लिया पानी से। यहाँ पे दूध भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा घी देकर यहाँ पे मैं बना दूँगी कुही का टिफ़िन। और ये कुही को खाकर बहुत ही पसंद आया था, तो इसलिए मैंने बनाया है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कुही इसको लौटा कर घर पे ही ले आएंगे, क्योंकि वो तो पूरे खाने वाले है नहीं। तो कुही का टिफ़िन अभी बन के तैयार है। अभी रोज़ ही मुझे कुही को अलग अलग सा टिफ़िन देना पड़ेगा, तो आज मैंने ये दिया है, कल देखूँगी क्या दूँगी। तो चलिए अभी कुही को ड्रेस वगैरह पहना देती हूँ। आज फास्ते हैं, कुही को पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह सुबह मुझे मम्मी पापा ये सब पहना कर कहाँ ले जा रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद कुही को भी पता चल जाएगा कि कुही कहाँ पर जा रहे हैं। तो कुही का आज सब कुछ नहीं है, पेंटी भी नहीं है, इनवर भी नहीं है, और स्कूल ड्रेस तो नहीं ही है। तो चलिए इसको फटाफट से ड्रेस पहना देते हैं। ओके, तो कुही पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। और कुही का स्कूल का जो शू है वो मेरी मम्मी ने कुही को गिफ्ट किया है। नए स्कूल जा रहे हैं, तो इसलिए कुछ और गिफ्ट नहीं कर सकेंगे वो लोग, क्योंकि ड्रेस वगैरह सब स्कूल से ही एडमिशन के टाइम पे दे दिया था, स्कूल बैग भी दे दिया था। तो इस वजह से मम्मी ने दे दिया है शू गिफ्ट पे। और ये भी मेरे लिए एक टास्क जैसे ही था, क्योंकि शू मुझे मिल नहीं रही थी, इतना छोटा शू। तो चलिए अभी कुही बनके तैयार हो गया है स्कूल यूनिफॉर्म में, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको। मैं आपको दूर से थोड़ा सा दिखाऊंगी। लगभग आधे घंटे के बाद हम लोग घर से निकले हैं, क्योंकि गौतम के मम्मी पापा को दिखाया था कुही को घर से आने के टाइम पे स्कूल ड्रेस के साथ, और मेरे मम्मी पापा को भी वीडियो कॉलिंग की थी, तो इसलिए। तो चलिए फटाफट से आगे है स्कूल। और स्कूल भी काफ़ी क्लासी यूनिक है, क्योंकि स्कूल जो है ना कुही का, वो बहुत ही घरेलू टाइप का एक माहौल है। स्कूल जैसा नहीं लगते हैं बच्चे, थोड़ा सा घरेलू जैसा अगर हो ना तब अच्छा लगता है बच्चे को। तो हम लोगों ने उसी तरीके के माहौल के साथ कुही को एडमिशन दिया है इस स्कूल पे, जो उसको थोड़ा सा होम टाइप फील हो, इसलिए। तो कुही यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट हो गया है, एक मिनट के अंदर एडजस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा खिलौना है, पार्क है, गाड़ी है, तो इसलिए
फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल पे बच्चे को देंगे ना, तब होम टाइप जैसा फील होने वाला स्कूल में ही देना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा ना हो। अगर बच्चे ज़्यादा हो जाए तो ध्यान बच्चे पर कम पड़ता है, एक एक बच्चे पर। यहाँ पे बच्चा कम है तो इस वजह से मैंने दिया है, क्योंकि एक एक बच्चे को आराम से वो लोग देख सकेंगे, आराम से उन लोगों को ध्यान रख सकेंगे, तो इसलिए। तो चलिए अभी घर जाते हैं। कुही तो थोड़ा सा भी रोना धोना नहीं किया है, तो हम लोग भी घर जाते हैं। तो घर जाने के एक घंटे के बाद मैं किचन पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज बनाऊँगी पनीर, फटाफट का रेसिपी है। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर पे प्याज को पीस लिया, फिर काजू को देकर उसको भी मैंने पीस लिया। तो अभी इसका पेस्ट मैंने बना ली। तो नेक्स्ट मैंने टमाटर को पीस लिया है, इसका एक फाइन मैं पेस्ट बना लूँगी। और अभी मैं दही को देकर थोड़ा सा मिक्सी को चला दूँगी 2 सेकेंड के लिए, ताकि दही जो है वो फाइन हो जाए। तो अभी दही भी फाइन हो गया है। तो जितना सारा मुझे पीस लेना था सामान, वो मैंने पीस ली है। तो चलिए अभी फटाफट से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खड़े मसाला लिया है, दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, तो एक जावित्री। और नेक्स्ट मैंने पनीर को यहाँ पे कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, कुही के लिए मैंने चॉप कर लिया है अनियन, टमेटो और बॉयल पोटैटो और पनीर। तो चलिए पहले हम लोगों का खाना बना लेते हैं, फिर कुही का। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल पे मैंने पनीर को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। और पनीर को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी घी। घी के साथ इस रेसिपी को बनाना होगा। घी पे सारा खड़ा मसाला मैंने दे दिया है। और उसके बाद अनियंस को देकर इसको मैंने स्पीडली थोड़ी देर स्टेयर की। और उसके बाद ये जब थोड़ा सा गोल्डन टाइप का हो जाएंगे, फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट देकर इसको अगेन 3-4 मिनट तक फ्राई करते रहे। फिर थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और गरम मसाला देकर, नमक देकर मैंने इसको चलाते रहे लगभग 5-6 मिनट तक। और तब तक कुही भी आ गए। एक्चुअली कुही का स्कूलिंग टाइम है 9:30 to 12:30, अभी 12:40 हुआ है। आज गौतम घर पे ही थे, तो गौतम ने आज कुही को स्कूल से पिकअप करके लाए हैं। और बस कुही अभी आ गए हैं। अभी कुही के साथ थोड़ी देर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं भी यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टोमेटो को ऐड कर दिया। और उसके बाद इसको स्टेयर करके रहे लगभग 6-7 मिनट तक, जब तक टोमेटो अच्छे तरीके से पक ना जाए तब तक। तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी है, वो सब भी मैं काम कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। नीचे से गौतम के मम्मी ने कुछ बनाकर भेजा था। और यहाँ पे मैंने कर्ड ऐड कर दिया है, और कर्ड को स्टर करूँगी 2-3 मिनट तक। और उसके बाद यहाँ पे देना होगा क्रीम। और ये है घर का जमे हुए मलाई, मलाई भी दे सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है मलाई को, और अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ूंगी। तब तक कुही को देख लेती हूँ। कुही को गौतम एकदम अच्छे तरीके से साफ करके लाए हैं, सुबह शावर लेकर गए थे तो अभी ऐसे ही साफ करके लाए हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट बन के तैयार ही है खाना। पनीर को मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध यहाँ पे दे दिया है,
लगभग 100 ml तक मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर दिया। मिल्क ऐड कर देने से ये जो पनीर का रेसिपी है ये शाही पनीर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा शाही चीज़ें ही ऐड किया है। तो इसलिए तो सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ है सब कुछ मैं अभी ठीक ठाक करके रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे खाना खाकर सोना है। सुबह बहुत ही जल्दी उठी थी और अभी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हूँ, इसलिए कुही को भी खाना खिलाना है, तो बस ढेर सारा काम है अभी। वैसे तो रोज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे रूटीन चेंज करना होगा। तो नई रूटीन के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। ये मेरा पुराना आज का रूटीन है, बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुही को स्कूल भेजने के साथ मैं अपने रूटीन को किस तरीके से चेंज किया है। तो बस ये देखिए, हम लोगों का शाही पनीर बनके तैयार है। ये काफ़ी टेस्टी बना था, इस स्टाइल पे आप बनाकर एक बार देख सकते हैं। ये काफ़ी टेस्टी है और नान के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी और राइस के साथ भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने बाउल पे निकाल कर गौतम की मम्मी पापा के लिए भेज दिया है। फटाफट से बना रही हूँ कुही के लिए पनीर। कुही का पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से, अनियंस को मैंने फ्राई कर लिया है, फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट दूंगी, फिर मैं फ्राई करूँगी, फिर टमाटर को देकर नमक को देकर 2-3 मिनट तक फ्राई करते रहूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा, धनिया को देकर 5 मिनट तक मैं भूनूँगी सबको, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, और उसके बाद पनीर को ऐड करके बॉईल आने दूँगी। जस्ट सिंपल सा ये पनीर का रेसिपी है कुही का, जो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है सच में। तो अभी खाना वाना बना के मेरा रेडी हो ही गया है, तो अभी किचन को साफ़ करूँगी, उसके बाद कुही को खाना खिलाऊँगी। एक्चुअली गौतम ही कुही को खाना खिलाएंगे, क्योंकि मुझे अभी ढेर सारा काम है, किचन को साफ़ करना है, बर्तन मैंने क्लीन कर लिया है, तो गौतम है घर पे, तो गौतम जब रहते हैं गौतम ही खाना खिलाते हैं। वैसे तो मेरा ही बारी पड़ते हैं, और कुही को खाना खिलाना एक टास्क जैसा रहते हैं, क्योंकि 1 घंटा से भी ज़्यादा उनके साथ बैठना पड़ता है, इसलिए। तो चलिए, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग खाना खाने बैठे हैं। अभी 12:30 हो गया है और हम दोनों अभी खाना खाएंगे, और उसके बाद मैं थोड़ी देर कुही के साथ सोने वाली हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ इवनिंग टाइम पे। गुड इवनिंग गाइस। तो जस्ट अभी हम दोनों सोकर उठे हैं, और अभी कुही को कुछ खाने के लिए मैं बना दूंगी, और उसके बाद हम दोनों भी चाय के साथ कुछ खाएंगे, क्योंकि हम दोनों को भी बहुत ही तेज भूख लगे है। और मैं अभी पहले पूजा कर लूंगी और उसके बाद चाय के साथ कुछ बनाऊंगी। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, फास्ट कुही को स्कूल भेजी थी और रूटीन बहुत ही चेंज हो गया, फटाफट से सब कुछ करना पड़ा। तो फटाफट से मैंने चाय भी बना ली और चाय के साथ कुछ पकोड़े भी बना ली। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। टेक केयर एंड बाय।